जय भोलेनाथ दोस्तों, 7:13 7:13 AM और 26th मई ट्यूसडे 2020, 26th मई ट्यूसडे एंड 7:13 AM। तो अभी हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, चाय पे चर्चा। तो आपने स्टोरी ऑफ ए कॉपी कैट जरूर देख लिया होगा, मुझे आशा है। अगर नहीं है देखा होगा तो देख लीजिएगा। इस देश में जिनके 7 लाख भी 7.5 लाख सब्सक्राइबर है, वो भी कितने बड़े कॉपीबाज है, तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज इन मार्केट। आइए चाय के संग चर्चा की जाए आज के मार्केट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, तो पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला शख्स था जो अपने स्टैंड पे खड़ा रहा। आप जितने भी डाटा एनालिस्ट, वो कुछ फ्यूचर एंड और डेरिवेटिव्स के डाटा का भी आजकल चैनल आने लग गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल मतलब लोग किसी भी तरह से यूट्यूब में एक वीडियो बनाना, उनको चाहे वो ओपन इंटरेस्ट के नाम पे आप अपना सिक्का चलाए, मतलब किसी ना किसी तरह से वो 1000-1500 व्यू ला ही लेते हैं वहाँ पे। लेकिन उनका तर्क सुनो आप, एक तर्क काम का नहीं है। अब एक बंदा है, मैं नाम तो लूंगा नहीं क्योंकि उस लेवल के लोग मेरे लेवल में भी नहीं है, तो मैं उनका नाम लेके क्यों अपना लेवल गिराऊं। तो जैसे भाटिया जी है, थोड़ा हाई लेवल के लोग है ना वो, 7.5 लाख सब्सक्राइबर। तो कल उनका नाम लेना मुझे पड़ा और वो अपने वीडियो में क्या बोलते दोस्त, कि देखिए ये लोग आपको जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो ये 20 EMA को यूज़ करते हैं वीकली वाली, और वो ज़्यादातर वीकली चार्ट देखते हैं और वो ये 20 EMA को यूज़ करते हैं। लेकिन आपको आपको वो लोग बताएंगे नहीं कि इसको आपको 10,000 का टारगेट कहाँ से। तो मैं तो बता भी रहा हूँ, आप भाटिया जी मेरा चैनल आप देख ही रहे हो, मुझे पता है ना। तो आप देखो मेरे सब वीडियो में मैं बता रहा हूँ क्यों जाएगा, कब जाएगा और क्या कारण से जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक ही शख्स है इस यूट्यूब में जो हर एक वीडियो विदाउट लॉजिक बनाता ही नहीं है। इवन मैंने इस संडे को जो 2 स्टॉक दिए, ऐसा कोई विश्व में चैलेंज नहीं कर सकता कि इनमें से एक में भी स्टॉप लॉस हो गया तो आप मेरा क्या बोलते हो चैनल छोड़ देना। दूसरा, जो भी डिलीवरी के स्टॉक में एनालाइज करके दूंगा, ये भी मैंने उस PFC वाले वीडियो में वादा किया है कि उस दिन से आप मेरा चैनल छोड़ देना अगर वो 8 से 10% 1 महीने में गेन नहीं देगा। तो ये कितनी बड़ी बात है बॉस, तो किस लेवल की स्टडी होगी। तो एक्चुअल में सब्सक्राइबर तो यहाँ होने चाहिए 50 लाख। आप तो डिजर्व भी नहीं करते हो, आपने आज तक ज़िंदगी में जो भी सिखाया है, आपकी सम्मान करता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आपने जो भी सिखाया, आपने कहीं ना कहीं से कॉपी करके उठा के लाया, आपका अपना एक भी चीज़ नहीं है, मैं आपको लिखित दे सकता हूँ। दूसरा नंबर, आप बनते बहुत भोले हो वहाँ पर चैनल में, लोगों को क्योंकि आपको पता आपकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है तो आपकी बात ही लोग मानेंगे। तो आप करते क्या हो, टारगेट करते हो वैसे लोगों को जो बेचारे मेहनत करके किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और किसी का गला दबा के नहीं बोला जा रहा कि आ जाइए आप मेरे यहाँ। मैं आपको बताता हूँ दोस्त, सभी दोस्तों को बोलता हूँ मेरी ट्रेनिंग में जीवन में मत आना, और आज तक मैंने किसी को भी तेल नहीं लगा कि मेरी ट्रेनिंग में आओ। सब आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा सच्चा कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि अकेला एक शख्स है यूट्यूब में जो अपनी रिसर्च खुद की किया आज तक, किसी को आज तक कॉपी नहीं किया, किसी किताब को कॉपी नहीं किया। वरना ये भाटिया जी जैसे लोग तो इधर से कुछ कंटेंट उठा लेंगे, इधर से कुछ, और उसको अपना बना के चिपका देंगे लोगों को, और वहाँ एकदम भोले बन जाते हैं। अरे भैया उसका नाम मत लेना, इसका ये मत करना, एक्टिंग देखो इनकी, 1 रुपये का नॉलेज नहीं है। अगर है नॉलेज तो मैंने कल के वीडियो में भी चैलेंज किया, आप हर रोज 2 स्टॉक अपनी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में एकदम ओपनली लाइव मार्केट में डालिए विद प्राइस दिखा के कि ये करंट प्राइस चल रहा है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट। और मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, अगर आपके हर 2 स्टॉक में एक स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो मैं काम छोड़ दूंगा। और मेरे एक भी स्टॉक में स्टॉप लॉस हो गया आज से नहीं जीवन भर तक, तो मेरा चैनल आप सब हट जाना, मैं खुद बंद कर दूंगा। तो है दम तो आ जाइए, आप तो 7.5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हो। अरे झूठ बोलने की तो हद होती है, ठीक है आप भी धंधा कर रहे हो, आप मत बोलो कि आप वहाँ कोई सराफत के पुतले बन के बैठे हो, ठीक है। सराफत का पुतला तो प्रमोद जैन है, जो इस चैनल में जब चाहे ज्वाइन बटन डाल दे और 1500 रुपया फीस भी रखे ना, तो पहले दिन 1000 लोग ज्वाइन करेंगे, ये मेरा वादा है। 1500, आपने दिमाग अच्छा लगाया 59, 100 और 200 रुपये रख दिए वहाँ पे, ताकि
वहाँ अगर 1 लाख लोग भी ज्वाइन करें तो आपके पास महीने के 10 से 15 लाख आराम से है, तो फिर क्यों आप ट्रेनिंग करोगे? आप उनकी ही बुराइयाँ करोगे ना। अगर आप में सच्चाई तो वो फीस मत लो, वो भी लोगों में बांटो फ्री ज्ञान। अरे झूठे नंबर वन हो आप, और आप अपनी हर वक्त बोलते हो कि मैं तो फ्री, मैं तो फ्री। तो आप फ्री करते हो तो आप दूसरों की बुराई क्यों करते हो? आप अपना ज्ञान फ्री में बांटते रहो, कौन आपको रोका है? आप उस गोलू को लेके हर रोज, मैं तो जानता हूँ गोलू तो है भी ऐसा ही, इसी लायक है कि वो सुने, लेकिन बेचारा कर क्या रहा? वो भी ट्रेनिंग दे रहा है आपको, गला तो दबा नहीं रहा किसी का, और वो भी कर रहा है धंधा। यहाँ हर एक आदमी पैसा कमाना है, सिवाय मेरे चैनल के। आप किसी भी चैनल में दिखा दो कि जिसका मोटिव ये नहीं है कि पैसा कमाए, और खुला चैलेंज है। मैं अपना जो भी बिजनेस उसमें चैनल में एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, बस आप मेरे पास चिपकने आ रहे हो तो मैं पैसा आपसे चार्ज करूँगा, बट इस चैनल को देखने के लिए या वीडियो देखने के लिए। और एक अकेला शख्स जो लाइव मार्केट में हर रोज पब्लिकली कॉल देता है, ऐसा नहीं कि भैया ये मैंने बोला था, देखो मैंने तो बोला था निफ्टी ऊपर जाएगा, यहाँ रोज अपना व्यू जीवन में चेंज नहीं करता हूँ, रॉन्ग होता हूँ तो एडमिट करता हूँ। तो मिस्टर भाटिया, आज आपका पाला किसी असली इंसान से पड़ा है। अभी तक जो सारे नकली वो भी आपकी तरह किताबी कीड़े थे, और आप उन्हीं को कॉपी मार के उन्हीं को उल्लू बनाते थे। तो अगर दम है तो आ जाओ प्लेटफॉर्म में, खुला ऑफर आपको, आपके सैल्यूट करता हूँ। आप जो काम कर रहे हो उसको मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ। यू आर डूइंग ए सर्विस टू द मैनकाइंड, दैट आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम माई हार्ट, बट आपसे कुछ ज़्यादा कई गुना अच्छी सर्विस मैं दे रहा हूँ। और मैं पब्लिक को यह सिखा रहा हूँ कि आपके घर में 2 पैसे कैसे आए, विथ कॉन्फिडेंस कैसे आए। आपके आपने जितने भी क्लासेस दिए आपके जो वीडियोस में, उसमें से एक शख्स पैदा किया आपने जो 100 रुपये अपने दम पे कमा सकता है। तो ये सारे ज्ञान बांट के उनको PhD देके क्या होगा? आपको खुद को याद नहीं रहता आपने क्या सिखा दिया? अगर दम आपकी नॉलेज में तो डालिए रोज पब्लिक की 3 कॉल, आपको क्या दिक्कत है? पैसे तो आपको चाहिए नहीं ना, आपका नॉलेज तो सामने आएगा पब्लिक के कि आप कितनी बार राइट हो तो कितने बार रॉन्ग। मैं देता हूँ हर रोज पब्लिकली देता हूँ। अगर है किसी यूट्यूबर में दम तो आ जाओ सामने। मैंने कल के वीडियो में भी तो बॉस ये बोलना आसान है, मैं किसी का बुरा, लेकिन आपने कॉपी मार के, अरे आप मुझे क्रेडिट दे देते। आपको दिखा दूँ लोग, दोस्तों ये रिलायंस आपको याद होगा, सब जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैंने ओपन चैलेंज किया था कि ये 20 CMA को टच करने आएगा, ये 1600 के ऊपर चला गया था, तो इसके बाप को आना पड़ा विद इन मे। ये मैंने चैलेंज किया था, इसके बाप को आना पड़ेगा विद इन मे इस 20 CMA को टच करने। तो इसकी 20 CMA आज भी आप देख सकते हो 1421 है, और इसको आना पड़ा, ये आप सब ने लाइव प्रमाण देखा। तो इसका मतलब ये एक स्टडी किसकी है। अब इसको भी छोड़ दो, इसके बाद मैंने एक वीडियो आप लोग का अभी भी डाला 5 EMA के लिए भी, मंथली 5 EMA, वो भी दिखाता हूँ। और उसके पहले कम से कम 1 साल से मेरे सारे वीडियो देख लो, कम से कम इस चीज़ का मैं जिक्र 50 से 100 बार विथ रीजनिंग किया हूँ, विथ रीजनिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कॉपीकैट से बड़ा कुछ है नहीं, ये सब बड़े बड़े दुकान खोल के बैठे हैं और कुछ नहीं है। और एक है एस्ट्रो गुरुजी, वो अपने आप को अभी स्टॉक गुरु भी बना दिया है, क्या बना दिया, क्या बोलूँ मैं उसको। कुछ काटा पिटी वगैरह मतलब कुछ भी सिखा रहे हैं यार, और अपने आप को हीरो वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रोज खुद पढ़ पढ़ के सीख के आ रहे हैं और लोगों के टीचर बन जा रहे। उनके पहले के भी वीडियो देख लो आप, जो ब्लैक फ्राइडे वगैरह वगैरह क्या क्या बोलते थे, कहाँ से किस बैकग्राउंड से आप पता कर लो, है ना, और अपने आप को महागुरु बना दिया। और इसमें दोष उनका नहीं है, इस दुनिया में इतने अंधे लोग हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। देख कहाँ से आप, अगर है तो ये देखिए इस वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग देखिए दोस्तों कि अगर एक भी स्टॉप लॉस होता तो आप हट सकते हो, ऐसा कोई कर सकता तो बता दीजिएगा। जिनेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों, पक्का 12% आपको डिमिट 29 रुपये जाके है, सेल दिया था मैंने 22 रुपये पे 29 रुपये जाके है, तो और भेल भी दिया था 22 रुपये 20। एक तो फंडामेंटल्स तो है ही मेरे पास, प्लस मेरे कुछ ऐसे टेक्निकल नॉलेज है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। मैं आज ये वादा कर रहा हूँ यूट्यूब में, अगर मेरा एक भी स्टॉक रॉन्ग होने का तो सवाल ही नहीं है, अगर एक भी स्टॉक आपको 10% का गेन नहीं देता है विद इन 1 मंथ ऑफ मेकिंग वीडियो, तो आप मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिए, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इस दावे के साथ मैं यूट्यूब पे एक तहलका मचा रहा हूँ,
और कुछ अलग ही एक्सक्लूसिव लेवल की स्टडी लेके आया हूँ। तो मैंने इसके अंदर में दो दिया, एक SBI एक पावर फाइनेंस, और ऐसे वाले जो भी स्टॉक का मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में ये बात है, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं। तो जब भी मैं एक स्टॉक का, तो मैं इसका मतलब आपके घर में एक कन्फर्मेशन आ गया कि हर महीना आप इन्वेस्टमेंट करके 10% कमा सक रहे हो, जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी ने दिया नहीं। तो आप देख लीजिएगा सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या दोस्तों। तो आ जाइए उसके बाद और दिखाता हूँ आपको, वो पिछले वीक भी मेरा वीडियो देख लीजिए, छोटा सा आपको और दिखाता हूँ। ये तो रिलायंस तो आप सबको याद ही होगा यारो, ये तो रिसेंट की घटना है कि मैंने BCMA का चैलेंज किया था, इसके बाप को भी आना पड़ेगा। और आ जाइए आप, और दिखाता हूँ आपको। और ये उस दिन के मैंने दो वीडियो बनाए आपको संडे के, SBI और इस पर दोनों पे मैंने चैलेंज किया, जबकि पूरी दुनिया बैंक निफ्टी को वीक बता, मैंने बैंक निफ्टी का भी एक इसी वीडियो को मिस्टर भाटिया ने देख के अपना एक व्यू बना के दे दिया। ये वीडियो 17 आवर्स पहले का, और उनका वीडियो कितने आवर्स पहले का ये भी देख लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं मुझे उनसे, पर्सनली आई लव हिम बिकॉज ही समवे ही इज डूइंग फेवर टू मैनकाइंड, ठीक है, उस गोलू से कई गुना अच्छा है ये मैं बोल सकता हूँ, गोलू भी आप लोग समझते होंगे। अब आ जाइए पिछले वीक का मैंने एक आपको, हाँ एक ये भी वाई निफ्टी कैन क्रॉस, ये भी एक वीडियो था पिछले वीक का, इसमें भी मैं इसी टाइप की EMA की बात कर रहा हूँ। जय जीरेंद्र, जय भोले। आप चेक कर लीजिए, पिछले वीक का संडे ये रात की 12:07 16 मई का, और एक्चुअली देखा जाता आज शनिवार था, पहले मैंने इसको एक बार टच करने के लिए आया। आप ये वीडियो भी देख लीजिए, यहाँ पे भी मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ, आप देखो ठीक है। इस महीने अब मुझे ज़्यादा प्रूफ नहीं देना है, अब आपकी मर्जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं करो, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ, मैं अगर मुझे इससे लालच होता तो मैं बीच बीच में 10-10 दिन अपना चैनल बंद नहीं करता लोगों की बोलने के साथ साथ। और मैं आपको बताता हूँ, किसी भी दिन मेरा मूड जिस दिन ख़राब होगा मैं इमीडिएटली इसको बंद कर दूंगा, अगर मुझे लगा कि मुझे रिक्वायर्ड जितना प्यार चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो मैं बिल्कुल बंद करूँगा। अब आ जाइए बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, क्योंकि इस सबसे मेरा पेट भरने वाला नहीं, मेरा एक ही मोटिव है कि हर घर में मैं पैसा कमा के दूँ, और ये मिथ तोड़ूँ कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते, और ये मेरा ये काम मैं साबित करके छोड़ूंगा मरते दम तक, ठीक है। तो अब आ जाइए कि जब फ्राइडे को हम क्लोज हो रहे थे तब डाउ जोन्स लगभग 100 पॉइंट माइनस था, आपको याद होगा जब हम 3:30 बजे क्लोज हो रहे थे, लेकिन जब रात को डाउ जोन्स क्लोज हुआ तो 8 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ, 8 पॉइंट। उसके बाद ये मंडे जो कल था उस दिन डाउ जोन्स का छुट्टी था मेमोरियल डे के लिए, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ऊपर ही चल रहा था, और आज डाउ फ्यूचर्स कुछ 350 पॉइंट ऊपर है शायद, देखते कितना है। ऊपर अभी आप देख सकते हो 330 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स अभी, तो आपको दिख रहा होगा 330 पॉइंट। और SGX निफ्टी भी हम लोग देख लेते क्या, ताकि मैं आपको थोड़ा, SGX निफ्टी भी हम देख लेते हैं, SGX निफ्टी कुछ 9155 की ओपनिंग दिखा रहे हैं, तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 100 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी होगी, क्योंकि हम 9039 से ऐसा कुछ पे क्लोज हुए थे, तो ये बड़ी तेज़ी। तो अभी आपको जो डाटा एनालिस्ट वो सारे छुप जाएंगे, हाँ भैया शॉर्ट ही मारना, ये मौका है आपको, एक एक एकाध अभी एक अपने आपको हीरो समझने लग गया, एक नया यूट्यूबर आया वो, अरे भैया मौका 18,000 के तो आप समझ लो एकदम पूरा दम लगा के शॉर्ट मार, मतलब किस तरह से पागलपंती करते हैं यूट्यूब में, विदाउट नॉलेज के बन जाते हैं वो, 2-4 लाइन टानना आ गया ट्रेंड लाइन, तो उनको लगा कि मैं सब कुछ जान लूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कोई मंदी नहीं है, आपको ये भी बता रहा हूँ 17 तारीख तक जून तक तेज़ी ही रहेगी, बीच बीच में एक आध दिन जो मंदा रहेगा वो आपके बाइंग का ही मौका रहेगा। तो चलिए ये तो मेरा व्यू मैंने ओपनली दे दिया था, उस दिन भी दे दिया था और कभी चेंज नहीं किया। अब बैंक निफ्टी की बातें करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत कुछ कर दिया और अपने आप को हंसी का पात्र बना के किया दोस्तों, आपने अगर ये देखा नहीं तो देख लेना, और इसी को कॉपी मारा भाटिया साहब ने, ठीक है। और पहले भी उन्होंने मेरे सारे, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल नॉलेज एक ही जन के पास है यहाँ पे, जो दिखाता भी है, ऐसा नहीं खाली बोलता है।
बाकी तो इधर से उधर से कंटेंट लाके कॉपी मार के नया अपना बना देते। एक भी कंटेंट जीवन में किसी से कॉपी नहीं किया, एक भी कंटेंट। तो बस आज ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, यही वीडियो एंड करता हूँ। आप लोग देखिए, मज़े करिए और एंजॉय करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भागने वाला है। SBI आपको आज ही 10% बढ़ जाए या कल तक बढ़ जाए या परसों तक बढ़ जाए, जो मैंने वादा किया वो पूरा होना ही है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।